ये इससे बुरा होने वाला है, ये इससे भी बुरा होने वाला है। ये गौरव बोलेगा इंडिया मोदी चला रहा है। बहुत सही कमेंट किए बॉस सर। न्यू टीवैक्स कोरोना पर ट्रस्ट लोगों का बताओ। मुझे क्या करना है, क्यों बताओ मैं किसका, मतलब आपका गुलाम हूं मैं? सदगुरु इज अ पार्ट ऑफ द गेम। गाली क्यों दे रहे हो हमें? क्योंकि इन लोगों को इसी भाषा समझ में आती है, इन लोगों को इसी भाषा में समझ में आती है। और मेरे को जो मैं हूं उसमें लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि मेरे को फालतू लोग नहीं चाहिए। मेरा नेचर जो है ये है, मेरा नेचर अग्रेसिव है, मैं रिबेलियन हूँ, इसलिए मेरा नेचर ये है। इसलिए भारत में कोई भी जब LC के खराब खड़ा नहीं था तब मैं खड़ा था अकेला। मास्क के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा था तब मैं अकेला बात कर रहा था। जब कोई टीके के खिलाफ बात नहीं कर रहा था तब मैं अकेला कर रहा था। जब लोग बोलते नए वेरियंट आ रहे, मैंने पहले बता दिया था आते रहेंगे। जिस तरह से फूड क्राइसिस लाने वाला है मैं अकेला बात कर रहा था। किस तरह से ये कंट्रोल करेंगे आपको, ये मैं अकेला बात कर रहा था। तो मैं अकेला हूं, आशुतोष की तेरे को इनवाइट नहीं किया है मैंने, अब ये आखिरी बार है तेरे को बताने की। तेरी गांड फटी पड़ी है, गांडू बोल रहा है, भाग यहां से। चूतोष के चैनल पे मैं बात नहीं कर पा रहा था। हाँ दोस्तों, ये चूते को देखा नहीं मेरे ख्याल से मैंने, जिस तरह से वहां पे बात की थी। मेरे खिलाफ बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ब्लॉक करने वाला हूं, मैं बिल्कुल ब्लॉक करने वाला हूं। आशुतोष चैनल पे मैंने जिस तरह से गांड मारी थी, वो डॉक्टर जो मेरे सामने खड़ा था, जिसने वो आशुतोष भी चुप बैठ गया था। जो आशुतोष इज अ कंट्रोल अपोजिशन, और वो जो दूसरा आया हुआ चैनल है, मेरे को BRC का कंपेयर मत करो, मेरी औकात मत निकालो। क्या BRC पैसे कमाने आया हुआ है? मैं पैसे कमाने आया नहीं हूं, मेरे को कोई पैसे मत चाहिए। ये चाहिए मेरे लिए, मेरे लिए भाई साहब, जब मैं एलोपैथी करता था 25,000 रुपये रोज का कमाता था। छोड़ दी मैंने एलोपैथी, एलोपैथी छोड़ दी मैंने 2010 में। 2011 से प्योर होम्योपैथी कर रहा हूँ मैं। आज BRC इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है BRC। मेडिकल इथिक्स उसको पता नहीं है, जो है वो है। अगर वो डॉक्टर है तो मेरे लिए उसको रिस्पेक्ट है, बट ही इज नॉट डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर रिस्पेक्ट एक नाम की चीज आती है, जो मैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी के लिए रखता हूं, जो मैं डॉक्टर तुम्हारे सर के लिए रखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर रिस्पेक्ट एक नाम की चीज़ आती है। और इन लोगों की पसंद मिशन की उनको फॉलो करके क्रिश्चियन बन रहे हो, शिवाजी महाराज को याद करो। मेरे को याद करने की जरूरत है भाई साहब? मेरे घर में शिवाजी महाराज की फोटो, मैं पैदा नहीं हुआ तब से है। शिवाजी महाराज हमारे सांसों में है, सांस भी लेते हैं तो मराठों के सांस में शिवाजी महाराज होते हैं, हमारे खून में शिवाजी महाराज दौड़ते हैं। गुलामी हमारे खून में एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए भारत में जब कोई बात नहीं कर रहा था तब ये अकेला मराठा बात कर रहा था।
और आज भी ये अकेला मराठा है जो लोगों को फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन में ले जाने की बात कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। और ये वो टेस्ट थी, और उसको मैंने देखा, जिस लोगों ने मुझे गालियां दी, जिस लोगों ने किया है, DIP डायट काम करती है। अभी 5G 4+1G चालू होने वाला है, तब काम करो वाला। सर लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं कोशिश नहीं थी, मैंने खुद होके जो पोज डाली थी, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन मेरे साथ है, और मैंने देख लिया। और ये टेस्ट उस डिवाइन ने करवाई मेरे से। अब इन लोगों ने उनका फेथ लिख चुके हैं, ये कितना भी करेंगे तो भी ये फोर्थ डायमेंशन में, उस मेडिटेशन में जाके फिफ्थ डायमेंशन में जो जाना है उसमें ये नहीं जाने वाले हैं। इन्होंने इनका 18 और 19 तारीख का मेडिटेशन का जो रिजल्ट है उन्होंने 20 तारीख को दे दिया है। अठारह तारीख को और 19 तारीख को आप नहीं कर पाए, सॉरी। ये युग का अकेला ऐसे दो दिन थे, इस युग के, इस कलयुग के अकेले दो दिन थे, जिसमें आप अगर मेडिटेशन करके आपको जो भी थोड़ा सा भी अगर ब्राइट लाइट आपको दिख जाता था तो आपको समझ, आप पता नहीं चलता आपको कि आपने क्या देखा। आप नहीं कर पाए तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत ट्राई किया, मैंने आपको बहुत रिक्वेस्ट की, आप कीजिए। आपने मेडिटेशन का ट्राई भी किया है तो भी आपको फिर से वो कभी ना कभी वो स्पार्क होगा, मगर आपने किया ही नहीं तो आप कुछ नहीं मिलेगा। माधव गुप्ता जी, वो रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है, वो ऊपर वाले के उस वही में उसने लिख दिया है।